First of all, my apologies for being a little late. The video conference went on till now. So, firstly, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी. आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये घरोटा में जो 25 फरवरी को एक मर्डर केस हुआ था उसके बारे में है. अगर थोड़ी सी पुरानी जानकारी देते हुए ये बताना चाहेंगे, 25 फरवरी 2020 को घरोटा पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट रिसीव हुई थी जिसमें कि ये बताया गया था कि सौदागर सिंह जो कि नायब सरपंच बारन के हैं और उसके और भाई जिसमें कि बाबा चंचल सिंह, राजन सिंह, नीलम सिंह और बाकी लोगों ने सरपंच दलबीर सिंह इनके घर में आधी रात को घुस के उनके ऊपर हमला किया है. वहाँ पे फायरिंग हुई है और फायरिंग में कश्मीर सिंह जो कि कज़िन है सरपंच दलबीर सिंह के, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है और सरपंच और उनकी सिस्टर गीता देवी ये दोनों जख्मी हुए हैं. एक उनके घर में जो पेट डॉग था उसकी भी ऑन स्पॉट डेथ हुई है. इसके चलते एफआईआर नंबर 19/2020 पुलिस स्टेशन घरोटा में रजिस्टर की गई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई. जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो विक्टिम्स थे, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स और उनकी तरफ से आई हुई जानकारी के मुताबिक सौदागर सिंह और उनके 8 भाई, इसके साथ साथ राजन सिंह अलियास हैप्पी और बलबीर सिंह, ऐसे टोटल 11 लोग इनको अरेस्ट किया गया था. इनकी क्वेश्चनिंग चलती रही. उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स होती गई और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई. 2 मार्च को ये इन्वेस्टिगेशन SP साउथ विनय शर्मा, उसके साथ साथ दिवाकर सिंह, इंस्पेक्टर परवेज सजाद, इंस्पेक्टर राजेश शर्मा और ASI सुनील सिंह, इन 5 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और उनको ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई. इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए थे वो सारे री एग्ज़ामिन किए गए. जितने एविडेंसेस हमारे सामने आए थे वो सारे के सारे दोबारा से एग्ज़ामिन किए गए और जो टेक्निकल एनालिसिस, एविडेंसेस, री एग्जामिनेशन ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट्स और कई सारी जानकारी के नतीजे पे हमने फाइनली इस केस को सॉल्व करने में हम कामयाब हुए हैं और इस केस में जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करने में सिट कामयाब हुई है. अभी जो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है वो ये पता चला है कि ये जो घटना है, इस घटना को शंकर सिंह जो कि सरपंच दलबीर सिंह के भाई, सरपंच दलबीर सिंह, उनकी बहन गीता देवी, इन सभी लोगों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस घटना को अंजाम दिया है. शंकर सिंह ने अपने मसेरे भाई जिनका नाम कश्मीर सिंह है उनके ऊपर कातिलाना हमला करके, उनके ऊपर फायर करके उनकी जान ली है और उसके साथ साथ सिस्टर गीता देवी और भाई दलबीर सिंह उनके ऊपर अपना बचाव करने के इरादे से, एक जिसको सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी कह सकते हैं, उस तरीके की इंजुरीज की हैं. एक फॉल्स केस जिसमें बाबा चंचल सिंह, डिप्टी सरपंच सौदागर सिंह और उसके भाई, इसके साथ साथ हैप्पी और बलबीर सिंह जो कि एक कंप्लेनेंट जिसका भाई है, जिस कंप्लेनेंट ने सरपंच के ऊपर एक और केस दायर किया हुआ है और जिसका इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज में है, उन सभी लोगों को एक ही केस में फंसाने के मकसद से एक साजिश रची गई और इस साजिश में डिप्टी सरपंच, उसके सभी भाई, बलबीर सिंह और इन सभी को फंसाने की कोशिश की है. जो प्राइम इसमें अक्यूज्ड है शंकर सिंह, उसके इंकशाफ पे वेपन ऑफ ऑफेंस अलॉन्ग विद कार्टिजेस हमने रिकवर किया है और इसके साथ साथ बहुत सारे कोरबरेटिंग एविडेंसेस भी हमने रिकवर किए हैं जिससे कि ये साजिश क्लियरली पता चलती है. ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जिसको कहा जाए, ऐसा केस सामने आ रहा है जिसमें कि पॉलिटिकल और ज़मीनी जो लड़ाई है उस लड़ाई को सेटल करने के लिए और
जिस कंप्लेनेंट ने सरपंच के ऊपर केस डाला है उस कंप्लेनेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के मकसद से इस तरीके की साजिश रची गई है और ये केस और इस हत्या को अंजाम दिया है। इस केस के बारे में अगर कोई सवाल है सर, तो शंकर सिंह पोस्टेड कहां पे है और वेपन जो यूज किया है वो कौन सा ऑफिशियल वेपन है उसका? जो वेपन यूज किया है ये 12 बोर वेपन है और ये इलीगली एक्वायर्ड है और शंकर सिंह जो है जीआरपी में पोस्टेड है। तफ्तीश जहां पे पहुंची है उसके चलते हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और इस तफ्तीश को और आगे हमें बढ़ाते लेके जाना है। अभी जितना पता चल रहा है कि 1-2 और लोगों का इसमें अरेस्ट होना और इन्वॉल्व होना पॉसिबल है और उसकी तहत हम चलेंगे आगे। इसको डाइवर्ट करने की काफ़ी सारी कोशिशें हुई है, उसके लिए इवन फेक और फैब्रिकेटेड एविडेंसेस क्रिएट करने की भी कोशिश की गई है और उसमें भी हमने एक जो फैब्रिकेटेड एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश में जो लगे थे उनको भी अरेस्ट किया हुआ। वो डिपार्टमेंट के लोग? जी नहीं, वो सिविलियन। मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव अरेस्टेड इट इज 250 प्लस 63 शॉप्स वी हैव सील्ड टिल नाउ फॉर वायलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग। आई मस्ट टेल यू हियर कि अभी तक जितना जैसे शुरुआती दौर पे बहुत सारे FIRs रजिस्टर हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तरफ से जो सहयोग था वो बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में हमें रेयरली एकाध FIR लगाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज पीपल हैव रिकनसाइल्ड विद द सिचुएशन। रादर मैं ये कहूँगा कि लोग अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, लोग समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है घर के अंदर रहना, कितना ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करना, क्योंकि इस कोरोना की जो महामारी है इसके चलते जिस तरीके से बाहर के और जगहों के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उन रिपोर्ट्स को देखते हुए लोग खुद ही ज़्यादा अपने तौर पे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है और ये मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं तो जम्मू पुलिस की तरफ से क्या मैसेज रहेगा खास करके कम्युनिटी के लिए? सबसे पहले रमज़ान के लिए मैं सभी भाइयों को मुबारकबाद, सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू पुलिस की तरफ से। रमज़ान के टाइम में ये जायज़ है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम इकट्ठा हो जाएं, इकट्ठा होके प्रे करें, लेकिन आज के इस दौर को देखते हुए मैं सभी लोगों से ये अपील, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी प्रे करना है आप अपने घर में बैठ के प्रे करें, इकट्ठा ना हुए, और रमज़ान आप अगर अच्छी तरीके से और भाईचारे के मैसेज से सेलिब्रेट करना चाहें तो वो सबके लिए अच्छा होगा। हम ज़रूर समझते हैं कि जो ये जो महीना है वो ऐसा महीना है कि जिसमें सुबह की प्रेयर, फिर आफ्टरनून की प्रेयर, शाम की प्रेयर्स, ये सारी एक कंपलसरी चीज़ के तौर पे लोग देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देखना ज़रूरी है कि आज का जो माहौल है वो ऐसा माहौल है कि अगर अभी तक जितने हमने प्रयास किए हैं वो प्रयास कंटिन्यू हमने नहीं रखे, कोई 10-15 दिन या एक महीने तक हो सकता है कि हमें ये प्रिकॉशंस लेने पड़े, ये प्रिकॉशंस अगर हमने नहीं लिए तो जो जितने पहले प्रिकॉशंस लिए गए उनके सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने घर में रहें, अपने घर में ही प्रेयर्स करें, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे साथ जम्मू पुलिस के साथ जुड़ सकते हैं, प्रशासन पूरी आपकी मदद करने के लिए आगे रहेगा। इन्वेस्टिगेशन उस FIR में चल रही है, जहाँ तक आप जानते हैं कि सभी लोगों से हमने बार बार अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, एक जगह पे सभी लोग इकट्ठा ना हो, और इसके चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से पर्टिकुलरली कुछ जगहों के बारे में लिखा गया है कि जैसे मॉल्स है या थिएटर्स है, सिनेमा हॉल्स है, ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है, तो ऐसी जगहों पर दोबारा से मैं सभी से अपील करूँगा कि किसी भी तरीके से इकट्ठा ना हो, एक जगह जमा ना हो, और अगर किसी भी तरह अगर आपको रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑर्डिनेटेड वे में घर घर जाकर डिलीवरी करके हम ताकि कोरोना को भी ना फैलाएं और साथ ही साथ रिलीफ भी डिस्ट्रीब्यूट करें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ करें। जो उस इंसिडेंट में जो केस लगा हुआ है वो क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में ये सारी बातें बाहर देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सर एक चीज़ आपसे जाननी है, जिस तरीके से आपके नाम काफ़ी FIRs लगी हैं, बहुत सी दुकानों को सील किया गया है, बठिंडी की अभी भी ऐसी कुछ शॉपिस हैं जो उल्लंघन कर रही हैं टाइमिंग का,
एक या दो को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर हमारी एसडीएम से बात हुई, एसडीएम ने यह कहा कि इनकी टाइमिंग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है, लेकिन अभी भी मस्जिद के सामने बात करें लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, टाइमिंग की उल्लंघन हो रही है और 11 बजे तक वो शॉपिंग खुली हुई है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे रिपोर्ट्स हमारे सामने आएंगे उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर रति शर्मा जम्मू परिवर्तन से, सर यहाँ पे जी इसके बारे में मैं जम्मू डिवीज़न की बात नहीं कर पाऊँगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात आप करना चाहें, डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो डिसीजन हुआ है वो ये मद्देनज़र हुआ है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कोरोना की जो संक्रमण होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, जो कि क्योंकि उनका एज ज़्यादा है, से 60+ है, या उस तरीके की अगर कोमॉर्बिडिटी है और भी किसी बीमारी से वो पहले ही लड़ रहे हैं, या कितनी क्राउडिंग है, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र ये डिसीजंस हुए हैं। और जम्मू डिवीज़न के बारे में यहाँ पे मैं, मेरा कहना वो उचित नहीं होगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फैसले हुए हैं वो सारे हमने सोच समझ के किए हैं, तो उस वजह से जब तक वो कंफर्म हमारे पास रिपोर्ट नहीं आता है तब तक हम वो मीडिया में नहीं बताना चाहते। सर कोई डाटा है अभी तक कितने लोगों को पैरोल पर छोड़ा गया है रिगार्डिंग किसी भी जो कोरोना वायरस के चलते हुए कितने लोगों को पैरोल पर छोड़ा गया है? यस वो डेटा आप अवेल कर सकते हैं, इफ़ यू कैन टॉक टू वन मैं आपको दे दूँगा। हाँ पुलिस अच्छा काम कर रही है वो चीज़ें भी आपके ज़रिए से हमारे सामने आती है, तो उसके लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ पे भी मीडिया कर्मियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत आए तो उसमें जम्मू पुलिस आपका सहयोग करने के लिए हमेशा आगे रहेगी, ये अश्योरेंस भी देना चाहूँगा। थैंक यू। इसमें क्लियर कट डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है और पुलिस वालों को, नाका पे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको सभी को भी ये कन्वेयर हो चुकी है, पीपल विल आल्सो अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली डील विद देम। लेकिन सर आप एक मैसेज तो जो है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अभद्र भाषा का जो प्रयोग है वो जो पत्रकारों के खिलाफ ना करें? ना ही पत्रकारों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग मेरा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ उचित डिपार्टमेंटल या कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू। हम फिलहाल अभी इसी की बात करेंगे, इसके बारे में अगर कोई और किसी का अगर क्वेश्चन है तो हम पहले जवाब देना चाहेंगे उसके बाद। पीआरओ को एटलीस्ट अपॉइंट करें, आप बिजी रहते हैं, बात करनी है, कुशल जंक्शन पे हम लोग भी हैं, हम लोग के आगे सर कुआ पीछे खाई वाला हालत है, आप लोग से कोई बात नहीं करता, कोई फोन नहीं उठाता आप लोग का, तो दिक्कत हमारे लिए है कि एटलीस्ट पीआरओ हो तो हम बात तो किसी से करें, ऑफिशियल कोर्ट तो चाहिए हम लोग को, कल को कोई मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक के डोमेन में जाती है उसकी ऑब्वियसली लाइबिलिटी तो हम पे है, आप तो उसमें ये रहता है कि अगर कोई मिस रिपोर्ट हो जाए चीज तो अल्टीमेटली वी हैव टू फेस दैट्स अ मेजर कंसर्न, तो इट्स बेटर कि ऑफिशियली आप